नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ विजन टीवी। मैं हूं आपके साथ नेहा। मुंगेली जिले के लोरमी में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा 7 सूत्रीय मांगों को लेकर मुंगेली चौक में धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान धरना प्रदर्शन करते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की गई। इस मौके पर पूर्व विधायक एवं संसदीय सचिव तोखन साहू के नेतृत्व में एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। वहीं ज्ञापन में मुख्य रूप से प्रति एकड़ न्यूनतम 20 क्विंटल धान खरीदने, किसानों के हित को देखते हुए 1 नवंबर से धान की खरीदी शुरू करने, धान की कीमत में कुल राशि एक मुफ्त में देने समेत 2 वर्ष के बकाया बोनस का भुगतान शीघ्र करने की मांग की गई। इस बीच पूर्व विधायक तोखन साहू ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता केंद्र सरकार के द्वारा लागू की गई कृषि बिल पर जनता को गुमराह कर रही है, जबकि केंद्र की बीजेपी सरकार के द्वारा लागू कृषि बिल किसानों के हित में है। जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन कार्यक्रम था। विषय यह था कि कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं के द्वारा जो लोगों को भ्रमित करने का जो काम ये लोग कर रहे हैं कृषि बिल को लेकर के। कृषि बिल किसानों के हित में क्रांतिकारी कदम है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो पारित की है वह इस पर देश के लोगों को गुमराह करना चाहती है। और ये कांग्रेस का ट्रेंड रहा है कि किसी भी बिल पर वो लोगों को भड़काए, दंगा फसाद कराए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज जो जन विरोधी जो भूपेश सरकार है उनके विफलताओं को लेकर के आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम था और आज हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। ये जो कृषि बिल के बारे में ये लोग जो बोलते हैं कि ये MSP समाप्त हो जाएगा, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि MSP समाप्त नहीं होगा, हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी करते रहेंगे। दूसरी बात ये लोग बोलते हैं कि मंडी की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। कृषि बिल में कहीं नहीं लिखा है कि मंडी की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, मंडी की व्यवस्था चलती रहेगी। एक ऑप्शन दिया गया है इसमें कि किसान अपने उपज को कहीं भी किसी भी और कभी भी बेच सकते हैं, तो खरीदी बिक्री का दायरा बढ़ाया गया है। इससे किसानों को फायदा होगा और देश के हमारे किसान भाई इसको बहुत अच्छी तरह समझते हैं। एक बड़ी बात जो ये लोग कांग्रेस पार्टी जो अभी कर रही है, जो इनके राष्ट्रीय नेता कर रहे हैं, राजस्थान में जो हाथरस की घटना है उस घटना को ये लोग कहते हैं कि वो बड़ी घटना है। वही घटना यदि छत्तीसगढ़ में घट गया, जसपुर में घट गया, तो इनके वरिष्ठ मंत्री बोलते हैं कि ये छोटी घटना है। इतनी घृणित मानसिकता को वाले इनके मंत्री हैं, इनको तो मैं तो कहता हूँ जरा भी शर्म है इसमें। तो इस तरह से हमारी बेटियों की, हमारी माताओं के ऊपर जो घटना घट रही है, कहीं भी घटना घटे उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये घटना छोटी बड़ी नहीं होती। इसलिए ये आज का यह जो धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है, कहीं भी विकास का कोई काम नहीं चल रहा है, चारों तरफ सड़कें उखड़ी हुई है, बिजली कब जाएगी कब आएगी पता ही नहीं चलता, और भ्रष्टाचार का चारों तरफ आलम है। सारे इनके नेता केवल पैसा कमाने के लिए लगे हैं। इसलिए इस जन विरोधी सरकार के खिलाफ एक दूसरी धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम हमारे सभी नेता लोग उपस्थित है। अवैध रहे तो बताएंगे पूरा मामला। ये धान खरीदी और पंजीकरण के संबंध में आज ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, तो इसको देख रहे हैं और कलेक्टर साहब से इसकी चर्चा करते हैं। मुंगेली से प्रीतम दिवाकर, छत्तीसगढ़ विजन टीवी।